Good morning children. In previous class we discussed exercises of chapter 4. Now today we are going to start new chapter and that is chapter 5 and the name of the chapter is solids, liquids and gases. Now first topic is what is matter? What is matter? There are different things around us such as rocks, animals, plants, air, sand, water, etc. These things take up space and have weight. They are called matter. So anything that occupies space and has mass is called matter. Matter is made of molecules. Molecules are the smallest substance in matter that exist independently. There are many things around us, rocks, clouds, trees, rivers, and different things are there, different objects are there like this pen, etc. Okay, these all things, these take up space and they have weight also. So anything that has mass and occupies the space is called matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. These matters are made up of molecules which are very small in size and they exist independently. Such as in our body is made up of small cells. In that way, this matter is also made up of molecules. Okay, it is made up of molecules and these molecules together they make up the matter. हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे चारों तरफ प्रकृति में rocks हैं, mountains हैं, rivers हैं, trees हैं, और हमारे घर में कई सारी चीजें हैं, जैसे pen pencil है. और भी बहुत सारे सामान हैं, फर्नीचर्स हैं, ये सारे चीजें क्या है? मैटर. तो कोई भी चीज जो जगह लेती है और जिसमें भार होता है उसे कहते हैं मैटर. मैटर इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. ओके, कोई भी चीज जो जगह लेती है और उसमें मास होता है. मास मतलब क्या है? किसी भी चीज के अंदर आप जैसे देखिए, ये क्या है? दिस इज द ग्लास. ये एम्प्टी ग्लास है. एम्प्टी ग्लास है ना, ये अभी एम्प्टी है. इसके अंदर मेरे घर में इसके अंदर मैंने बहुत सारी पेन पेंसिल्स वगैरह डाले हुए हैं. तो ये क्या है? इन सब चीजों ने पूरा इसका मास ले लिया है. मतलब ये सारी चीजें इसमें ऑक्यूपाई हो गई हैं, इसमें मिल गई हैं, ये पूरा भर गया है. अब इसमें कोई और चीज नहीं आ सकता है. तो ये क्या है? मैटर है. मैटर कैसे है? अब देखो, इसमें वेट होता है, इसको हम हाथ से छुएंगे, इसमें वेट है. ओके, और इसमें ये सारी चीजें क्या है? ये इस स्पेस के अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं. अब इसके ऊपर और कुछ नहीं आ सकता. तो ये क्या है? मास है. ये क्या है? ये मास है. ठीक है, और ये इसमें वेट भी है और इसके अंदर ये मास है. ओके, और इसने स्पेस भी घेर रखा है. मतलब इन सारी चीजों ने इस ग्लास के बराबर का स्पेस, ग्लास के बराबर की जगह घेर रखी है. तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास होता है, ये सब क्या है? मास है. ओके, इसको हम जब वेट करेंगे तो हमारा मास आएगा, केजी में या कैसे भी, ग्राम में, जिसमें भी. ठीक है, और ये क्या है? ये एक मैटर है, इसने स्पेस घेरा हुआ है. इन सब चीजों ने देखो इतना स्पेस घेरा है. तो ये क्या है? मैटर है. सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मास क्या है? उसके अंदर का जो सामान है, उसका जो भार होता है, उसे बोलते हैं मास. और वेट क्या होता है? मास के साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है तो वो होता है वेट. जैसे कि हम जब वेइंग मशीन में खड़े होते हैं ना, तो क्या होता है? वो हमारा वेट होता है. उसमें क्या है? हमारे शरीर के मास, भार के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वेट. ओके,
So anything that occupies space and has mass is called matter. These matters are made up of small small molecules. Okay, अब ये क्या है? छोटे छोटे molecules से बना होता है. Molecules क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं. Suppose ये glass है, ठीक है. सपोज ये एक लकड़ी का टुकड़ा है. अब इसमें ये सब चीजें छोटी छोटी ये जो है ये क्या है? ये है, ये क्या है? ये है मॉलिक्यूल्स. मतलब ये समझिए, ये वुड है, ये वुड का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है. ओके, इसमें ये जो लकड़ी का टुकड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है. मतलब इतना बना होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है इसमें एक साथ मिल करके ये पूरा एक वो बना देते हैं, एक स्पेस घेर करके एक चीज बना देते हैं. जैसे ये देखिए, ये डस्टर है ना मेरा, ये देखिए ये क्या है, ये भी मैटर है. इसने देखिए इतना स्पेस घेरा हुआ है और इसके अंदर जो सामान है ये क्या है, इसके अंदर मास है. अगर हम इसको वेट करेंगे तो इसका हमें वेट पता लग जाएगा. तो ये क्या है, ये एक तरह का मैटर है. जैसे हमारा शरीर, आपने पढ़ा होगा कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना होता है. आपने क्लास थर्ड में पढ़ा था ना कि हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनता है ना. इसी तरह से कोई भी मैटर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. ओके, और ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं इनमें. और ये जो सॉलिड होता है इसमें आपस में अट्रैक्शन होता है, जिसे सारे मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं और ये फिर मैटर का रूप ले लेते हैं. इन आर हाउसेस वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स लाइक फर्नीचर, टेलीविजन, वाटर बॉटल, मिरर, फ्लावर वेस, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, मिरर इज मेड ऑफ ग्लास, यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील एक्सेट्रा. Things we see around us are made of different materials. Matter can be in solid, liquid or gaseous state. In our houses we see many things. In our house there are many things. There are furnitures, there are different eatables. These all things are matter. Okay? Like mirror, television, water we drink, water bottle is there, everything. These all the things, book, everything. They are of made up of different materials. Means furniture is made of wood. Okay. Mirror is made of glass. Flower vase is also made of glass. This glass, it is made up of glass. Okay. Like this. These all the things are in our house and these all the things are matter. All these things in our house, they are made up of different materials. And these are called matters. Matter can be solid, liquid or gaseous state. हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेलीविजन है, हमारे घर में फर्नीचर है, मिरर है और फ्लावर पॉट है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है. ये सब चीजें अलग अलग मटेरियल से बनी रहती हैं, मतलब अलग अलग चीजों से बनी रहती हैं. जैसे फर्नीचर लकड़ी से बनता है, फ्लावर वेज ग्लास से बनता है, यूटेंसिल्स बर्तन स्टील से बनते हैं एक्सेट्रा. बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ घर में जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, अलग अलग सामानों से बनी रहती है. इन ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, मैटर है. ये सब चीजें मैटर है क्योंकि ये सारी चीजें जगह घेरती है. आप कहीं भी रखोगे, फर्नीचर रखा है तो आपके घर में फर्नीचर ने जगह घेरा है और फर्नीचर में मास होता है और वो सॉलिड भी होता है. और अगर हम उस फर्नीचर को वेट करेंगे तो उसका वेट भी निकल आएगा. सो ये सब चीजें क्या है, मैटर है. ओके, मैटर क्या हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है. सॉलिड में, सॉलिड क्या होता है, ठोस सामान होता है. जैसे ये आपका डस्टर, ये क्या है, सॉलिड है. इसमें मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं और ये हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं. ये क्या है, सॉलिड है. लिक्विड आप समझते ही होंगे, वाटर
ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड फॉर्म है मैटर के, ये आपको आगे पढ़ेंगे। और गैसियस स्टेट भी है, जैसे वाटर को बॉइल करते हैं तो भाप बनती है, वो क्या है? एक तरह से गैस है। ओके, हमारे हम कमरे में परफ्यूम छिड़कते हैं, वो क्या है? गैस है जो पूरे रूम में फैल जाती है। ओके, सो मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए। अब आपको हम इस सेक्शन, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉलिड्स के बारे में बताऊंगी, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनका कैसे, इनके मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म हो करके सॉलिड बनाते हैं। ओके, नाउ दिस मच फॉर टुडे सेशन। इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस सॉलिड्स। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग।